हेलो, क्यूरियोसिटी बॉक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं टॉपिक नंबर 10, चैप्टर चल रहा है आपका मशीन टूल। और मशीन टूल के अंदर 7 सब चैप्टर है, उसमें से फोर्थ सब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एंड दैट इज मिलिंग। ठीक है, तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन फॉर द मिलिंग ऑपरेशन, ये हम लोगों को देखना है। अच्छा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा अगर मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन करने का प्रोसीड्योर जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स है, वो है मिलिंग के केस में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं एक से एक छोटा से छोटा चीज बहुत ही बारीकी से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बस सुनते रहना है और ध्यान पूरा स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि मिलिंग के केस में हम लोग पहले जो कॉन्सिडर कर रहे हैं दैट इज चिप थिकनेस, पहले इसको देखेंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसको देख रहे हैं और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चिप थिकनेस एंड द मशीनिंग टाइम। क्योंकि मशीनिंग टाइम को कैलकुलेशन करने के लिए आपको चिप थिकनेस का कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। तो चिप थिकनेस जो रहता है इन केस ऑफ मिलिंग, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाई द स्मॉल टी। अब टी मीन जो है मिनिमम चिप थिकनेस, वो होता है 0। ठीक है, टी मैक्स जो होता है मैक्सिमम चिप थिकनेस, वो होता है, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, 2 × Fm बाई एन जेड इंटू रूट ओवर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, अब क्या क्या है ये हमको समझना है। टी मैक्स क्लियर है आपको, उम्मीद है, मैक्सिमम चिप थिकनेस। अच्छा देखो, वेयर जो Fm है, Fm को हम लोग बोलते हैं टेबल फीट। ध्यान देना, यूनिट रहता है मिलीमीटर पर मिनट। मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी का टर्म में, टेबल का वेलोसिटी, ये भी आप सोच सकते हो। ठीक है, टेबल फीट का यूनिट रहता है मिलीमीटर पर यूनिट, क्योंकि यूनिट जो है वो है आपका वेलोसिटी का। एन क्या है? एन है आरपीएम, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ टीथ। मतलब क्या कि आपका जो कटर रहता है ना, जैसे मान लीजिए ये कटर रहा, इसके साइड में ऐसे बहुत सारा आपको टीथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जेड को बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टीथ, मतलब एक रिवोल्यूशन अगर ये कटर करेगा तो उसमें कितना टीथ इन्वॉल्व है, दैट इज टीथ पर रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ टीथ पर रिवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ है, 360 डिग्री में है पूरा। अच्छा, जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी है आपका डेप्थ ऑफ कट, कैपिटल डी जो है दैट इज आपका कटर डाया। कॉन्फ्यूशन नहीं रहना चाहिए, स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट, कैपिटल डी कटर डाया, Fm, n, z, तीनों चीजों को हम लोग देख लिए। अच्छा, इसके बाद आपको अगर बोला जाए कि व्हाट इज द चिप थिकनेस इन मिलिंग, तो आपको एवरेज पकड़ के लेकर चलना है। तो टी एवरेज क्या होगा ना? टी मैक्स प्लस टी मीन बाई 2। अच्छा, टी मैक्स क्या है हम लोगों का? टी मैक्स है Fm, 2 × Fm n z बाई इंटू रूट ओवर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। टी मीन है 0 और नीचे है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो एवरेज चिप थिकनेस जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज Fn z इंटू रूट ओवर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दैट इज आपका टी मैक्स बाई 2 भी आप लोग बोल सकते हो। ये फॉर्मूला पूरा रटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इतना तक हम लोग क्या डिस्कस किए ना, इतना तक हम लोग डिस्कस किए द चिप थिकनेस इन केस ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। चिप थिकनेस मतलब एवरेज चिप थिकनेस बाय डिफॉल्ट हम लोग मान लेंगे। अगर मैक्सिमम मेंशन कर दिया इन दैट केस हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर मैक्सिमम चिप थिकनेस मेंशन कर देगा तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज करेंगे। नोटेशंस आपको दिमाग में रहना चाहिए, नोटेशंस एंड उसका यूनिट क्या है, इसके साथ ही दोनों चीज दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, अगर आप हर चीज का नोटेशन और उसका यूनिट आप ध्यान में रखोगे ना, तो क्वेश्चंस में जो सिली मिस्टेक्स होता है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, सिली मिस्टेक से बहुत बड़ा चीज है जो क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत करता है। आप पूरा क्वेश्चन समझते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ड्यू टू सिली मिस्टेक्स क्या होता है, हर बार बहुत बच्चे का ये हुआ है कि 8 से 10 नंबर, मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 नंबर आपको ज्यादा लग रहा होगा,
कुछ ज्यादा नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन बस, तो ये गलत हो जाता है ना, तो रैंक इधर से उधर चला जाता है, ठीक है, नदी के इस पर और नदी के उस पर। ओके, अब देखो, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टीएम। टीएम मतलब मशीनिंग टाइम, हम लोग इसको कैपिटल टीएम लिख रहे हैं, सो दैट आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी में कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो टीएम जो है, और हम लोग इसको स्मॉल टीएम भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग एम से भी डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो टीएम जो है दैट इज एलई बाई एफ एम। अच्छा, ये होता है टीएम का इक्वेशन, इन केस ऑफ मिलिंग में बोल रहा हूं, क्योंकि और दूसरी जगह क्या रहता है, एलई बाई एफ एन रहता है। एफ एन क्या है ना, फीड वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहां पे एफ एन क्या है, यहां पे एफ एन है टेबल फीड। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले ये देख लो एफ क्या है। एफ है आपका, मैं एफ एम से लिख रहा हूं, एफ एम इज इक्वल टू एफ इंटू एन, ठीक है। तो एफ इंटू एन जो है, एफ का यूनिट क्या है ना, एफ का यूनिट है आपका मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, इनटू एन का यूनिट क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आपका एफ एम का जो यूनिट था वो बन गया दैट इज मिलीमीटर पर मिनट, कॉन्फ्यूशन नहीं है। अच्छा, अब हम लोग इसको भी और भी तोड़ेंगे, एली बाई एफ को, ये जो एफ है ना इसको हम लोग लिखते हैं एफ टी इंटू जेड इंटू एन, मतलब मशीनिंग टाइम का ये तीन फॉर्मूला बन के आया, तो तोड़ तोड़ के हम लोग लिख लिए। अब मैं बोल रहा हूं आपको क्या है एफ टी, क्या है जेड, क्या है एन। देखो, एफ जो था दैट वाज मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, अब इसको हम लोग लिख रहे हैं एफ टी इंटू जेड, मतलब एफ टी जो है ये है बेसिकली आपका फीट पर टूथ, एंड आपका जेड क्या है, नंबर ऑफ टूथ पर रिवोल्यूशन। तो यूनिट क्या बना, टूथ को काट के एफ एम एम पर रिवोल्यूशन, ठीक है। मतलब जो कटर था उसमें बहुत सारा टीथ था, तो हर एक टीथ में आप कितना एम एम करके फीड दे रहे थे। एफ टी जो है दैट इज एफ टी दैट इज फीड पर टूथ। अब फीड पर टूथ आपको मिल गया, तो इसको आप लोग अगर नंबर ऑफ टूथ पर रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एम एम पर रिवोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज एक रिवोल्यूशन में कितना एमएम फीड आप दे रहे हो, सही है। तो देखो, हम लोग क्या फाइंड किए कि एफएम जो था वो किस में था ना, एमएम पर मिनट में था। तो एफएम को हम लोग लिख दिए एफ टी इंटू जेड इंटू एन, क्लियर हुआ बात। तो ये था फॉर्मूला ऑफ टेबल फीड, ये डायरेक्ट निकल के आया। एफ टी इंटू जेड इंटू एन मतलब क्या, एफ इंटू एन, ये भी आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, हर एक चीज का नोटेशन आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नोटेशन अगर क्लियर नहीं होगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला देखे कि मशीनिंग टाइम, दिस इज मशीनिंग टाइम, इसका फॉर्मूला आया एली बाई एफ एम, एली बाई एफ इंटू एन दैट इज एली बाई एफ टी इंटू जेड इंटू एन, क्लियर हुआ उम्मीद है आपको। तो ये फॉर्मूला आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। आप क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग चिप थिकनेस को यहाँ पे पढ़े, क्योंकि ये बात समझो, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कभी कभी बोल देगा कि आप मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करो, लेकिन आपको एफएम दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको मैक्सिमम चिप थिकनेस और चिप थिकनेस दैट इज बाय डिफॉल्ट एवरेज चिप थिकनेस दिया हुआ रह सकता है। तो तब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, वेदर इट इज गिवन दैट मैक्सिमम चिप थिकनेस और आपका एवरेज चिप थिकनेस और चिप थिकनेस इज गिवन, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, एंड यहां से आपको एफएम का वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको मशीनिंग टाइम बोल दे, ये सब चीज दे दे, मतलब एफ टी जेड एन दे दे, मतलब एफएम आपको दे दे, लेकिन आपको बोले कि यू जस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम चिप थिकनेस, और आपको ये भी बोल सकता है कि यू कैलकुलेट द एवरेज चिप थिकनेस, आपको ये भी बोल सकता है एवरेज चिप थिकनेस मतलब नॉर्मल सिर्फ चिप थिकनेस, ठीक है। तो ये इतना बात था, आपको ये चीज पूरा क्लियर रहना चाहिए। ये चीज अगर पूरा क्लियर होगा तभी मशीनिंग का अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब मिलिंग से अगर क्वेश्चन आएगा मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन करने का, तब वो सही हो पाएगा। देखिए, जितना भी मशीनिंग टाइम का प्रॉब्लम आता है उसमें सबसे डिफिकल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मिलिंग, क्योंकि इतना सारा चीज इसके अंदर है ना, तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। पढ़ने का तरीका क्या है समझो,
पहले आप हमसे समझ लिए, मुझसे समझ लिए, जब आप वीडियो देख रहे हो आप समझ गए चीजों को। अब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कॉपी में हर एक चीज पूरा डिटेल मैनर में लिख लिए, विथ नोटेशन, विथ यूनिट, हर एक चीज, जिससे आपको बाद में जब आप उसको पढ़ रहे हो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये चीज क्या था, वो चीज क्या था, इसका यूनिट क्या था, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये सब नहीं रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। अच्छा, मान लो आप पढ़ रहे हो ये वाला टॉपिक, दैट इज मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन फॉर मिलिंग। तो ये आप पूरा पढ़ लिए, आप कॉपी में नोट बना लिए, आप मान के चलो आपको पूरा इसको क्लैरिटी रहना चाहिए आपको माइंड में। तो आपको क्या करना होगा, आप एक अलग कॉपी लो, पूरा सफेद कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, उसमें आप क्या करो जो आपका मन में आ रहा है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ। जैसे मैं जा रहा था, पहले मैंने क्या किया कि मिनिमम चिप थिकनेस देखा, फिर मैक्सिमम देखा, फिर हम लोग एवरेज कैलकुलेट किए, फिर हम लोग मशीनिंग टाइम कैलकुलेट किए। मशीनिंग टाइम के अंदर हम लोग का टेबल फिट था, टेबल फिट के अंदर तीन टर्म था, एफ टी इंटू जेड इंटू एन। तो ये हर चीज आप अपने कॉपी में लिख लो। हाँ, टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बस नोटेशन लिख लो, लेकिन उसका जो सॉरी मतलब अब सिंबल लिख लो, उसका जो नोटेशन है वो अपने माइंड में बोलते जाओ। जैसे मैंने लिखा टी मैक्स, दैट इज टू इंटू एफ एम बाई एन जेड इंटू रूट ओवर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। एफ एम मैं जानता हूँ, एफ एम तो है टेबल फिट। अच्छा, जो इसका यूनिट किस में रहता है ना, एम एम पर मिनट में रहता है। एन तो मैं जानता हूँ, जो आरपीएम में रहता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। जेड है जितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीथ रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ मतलब एक रिवोल्यूशन होगा तो उतना टीथ ही पार्टिसिपेट कर रहा है इन द मेजरिंग ऑपरेशन, क्लियर हो रहा है बात। डी जो है डेप्थ ऑफ कट है, डी है कटर डाया। नोटेशन आप अगर नहीं लिख रहे हो कॉपी में, लिख लोगे तो अच्छा है लेकिन टाइम भी लगता है थोड़ा सा ज्यादा, तो अगर नहीं लिख रहे हो तो आपको माइंड में यह पूरा क्लियर रहना चाहिए कि ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे अगर पढ़ाई करोगे तो आप लिख के रख लो कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको आप अगर आपको कोई भी पूछेगा ना कि भाई मीनिंग का वो वाला फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा बताओगे, आप पूरा सीधा बोल दोगे, कोई कॉन्फ्यूजन ही आपके माइंड में नहीं रहेगा। ये सबसे अच्छा चीज होता है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आप एक काम करो, आप उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आप उसको ब्लैंक पेपर में पूरा लिखने की कोशिश करो। अगर आप पूरा के पूरा चीज ब्लैंक पेपर में विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी लुकिंग एट द कॉपी आप अगर लिख लिए, तो आप समझ के चलो कि वो चीज आपको पूरा क्लियर है, उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कोई थियोरिटिकल टॉपिक है तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला कि आप मीनिंग और डाउन मीनिंग अपने माइंड में पूरा क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को, तो आपको क्या करना है, पहले आपने पढ़ लिया, ठीक है, और बहुत दिन पहले अगर पढ़ा था तो आपने उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, आपने कॉपी ले लिया, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, छोटा छोटा पॉइंट करके लिख लिया कि कटर का डायरेक्शन वर्कपीस का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, साइन देके आप लोग कर लिया, ठीक है। उसके साथ आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन दे दो, तो साइन ऑपोजिट हो गया, आपको क्लियर रहा। चिप थिकनेस आप मैक्सिमम से वेरी कर रहा है, आप डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हो। तो आपको माइंड में ये सब क्लियर होते हुए चलना है, ठीक है। आप अगर माइंड में सोचोगे कि मैंने ये पढ़ा है अभी तो याद है ऐसा लग रहा है, हाँ, मैं शायद कर सकता हूँ, तो उससे आपको लगता है लेकिन क्लैरिटी पूरा नहीं रहता है। क्लैरिटी पूरा रहने के लिए आपको उसको किसी को समझाना है, या किसी को आपको कॉपी में कोई मतलब पूरा एक खाली कॉपी में उसको लिख लेना है, क्लियर हुआ बात। ओके, चलिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहीं पे समाप्त होता है आपका जो 10th टॉपिक था, दैट इज मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन फॉर मिलिंग। ओके, थैंक यू।